हेलो स्टूडेंट दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ इंग्लिश रीडर चैप्टर टू प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि जो मंत्री होते हैं उन्हें मूर्ख मिल जाते हैं दो और वो राजा के दरबार में ले जाते हैं और उनके मूर्खता के लिए राजा को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो कैसे अपनी मूर्खता में एक्सपर्ट हैं अब हम आगे पढ़ेंगे द किंग इन्जॉयड राजा ने इसका आनंद लिया ही देन आस्ट वेयर आर द अदर टू फूल्स तब उन्होंने पूछा किसने राजा ने तब पूछा कि दूसरे दो मूर्ख और कहाँ हैं द अदर टू फूल्स आर प्रजेंट एयर योर मजिस्ट्री सेट द मिनिस्टर मंत्री ने कहा कि अन्य दो मूर्ख यहाँ पर हैं जहाँ पना वेयर आर दे वे कहाँ हैं आज द किंग क्वाइट सरप्राइज राजा ने पूछा थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए योर मजिस्ट्री जहाँ पना द थर्ड फूल इज आई हु वेस्टेड द टाइम एंड एनर्जी इन सच आ फ्यूटाइल एक्सरसाइज सेट द मिनिस्टर तो उसने क्या कहा कि तीसरा मूर्ख मैं हूँ जिसने अपना समय और अपनी ऊर्जा इतनी मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए नष्ट की मंत्री ने कहा एंड वेयर इज़ द फोर्थ फूल आज द किंग राजा ने पूछा तो चौथा मूर्ख कहाँ है आई वेग योर पार्डन योर मजिस्ट्री जहाँ पना मुझे माफ करिए द फोर्थ एंड द बिगेस्ट फूल इज़ योर चौथा और सबसे बड़ा मूर्ख आप हैं योर मजिस्ट्री जहाँ पना यू पुट मी ऑन सच आ वर्थ लेस असाइनमेंट सेट द मिनिस्टर जिसने मुझे इतना बेकार का काम करने के लिए सौंपा मंत्री ने कहा द किंग फेल्ट असैम्बड एंड एसक्यूज द मिनिस्टर मंत्री को जो राजा थे राजा को क्या हुआ शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने इसके लिए मिनिस्टर को मंत्री को माफ़ कर दिया तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया जिसमें हमने चार मूर्खों की कहानी सुनी थी फिर उसके बाद आपके वर्ड मीनिंग है जो आपको सेंड किए जाएंगे आप वही नोटबुक पे करेंगे अपनी पे और क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक पे जाएंगे पहले हम एक्सरसाइज समझते हैं कि क्या है तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस है द किंग ऑफन बिहेव्ड इन ए भीमसीयल मैनर तो जो राजा था वो कैसा बिहेव करता था भीमसीयल यानी सन की व्यवहार करता था तो हमारा टिक किस पर चला जाएगा विमसीियल मैनर पर ई शुड एक्सेलेंट प्रत्येक जो एक्सपर्ट होना चाहिए वो किस में होना चाहिए फुलनेसनेस में यानी मूर्खता में ऑन डैट हैप्पी ओकेजन द मैन वाज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट तो राजा क्या करने जा रहा था जो लड़का आदमी था वो क्या करने जा रहा था मिठाइयाँ बांटने जा रहा था हेरिंग दिस द मिनिस्टर सेट टू हिमसेल्फ आई हैव फाउंड तो ये सुन के मंत्री ने क्या कहा कि मैंने पाए हैं क्या पाए उसने टू सच फूल ऐसे दो मूर्ख द किंग फेल्ट असम्प्ट राजा को क्या हुई शर्मिंदगी हुई उसने क्या कर दिया मंत्री को माफ़ कर दिया एक्सक्यूज द मिनिस्टर तो आपका ये जाएगा टिक फिर देखिए आपके ट्रू फॉल्स हैं ट्रू फॉल्स लिखने द किंग डिड नॉट बिहेव इन ए विमसियल मैनर राजा जो था वो सन की व्यवहार नहीं करता था ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो क्या करता था सन की व्यवहार करता था द किंग वांटेड टू सी फोर फूल्स राजा चार मूर्ख देखना चाहता था ये भी बिल्कुल सही है द मिनिस्टर नोटिस ए लाइन मिनिस्टर ने एक शेर को नोटिस किया एक शेर को देखा तो फॉल्स हो जाएगा उसने तो किसको देखा था मूर्ख को द मैन विलिंगली आंसर्ड जो आदमी था उसने इच्छा के साथ उत्तर दिया ये गलत हो जाएगा उसकी कोई भी इच्छा नहीं थी उत्तर देने की द मैन हैड नो चॉइस बट टू अंपनी द मिनिस्टर हरने के पास कोई चॉइस नहीं थी लेकिन उसे मंत्री के साथ जाना पड़ा तो ये बिल्कुल ठीक है फिर देखिए अपने फिलअप हैं यह आप सभी काम बुक में फिल करेंगे द मिनिस्टर वेंट अवे इन सर्च ऑफ मिनिस्टर किसकी सर्च में गया किसको खोजने गया था फूल्स यानी मूर्ख को द मिनिस्टर नोटिस्ड मैन हु वॉज वॉकिंग हरीडली विद अ बॉक्स ऑफ द मंत्री ने देखा कि राजा जो है वो एक आदमी जो था वो बहुत जल्दी जल्दी में जा रहा था उसके हाथ में क्या था मिठाइयों का एक बॉक्स हाउ एवर एज इट वॉज अ रॉयल ऑर्डर ही हैड नो चॉइस बट इट बट टू अ कंपनी द मिनिस्टर यद्यपि ये क्या था एक शाही ऑर्डर था शाही ऑर्डर दिया गया था तो उस आदमी के पास कोई चॉइस नहीं थी उसे मंत्री के पास साथ जाना पड़ा द फोर्थ एंड द बिगेस्ट फूल वाच चौथा और सबसे बड़ा मूर् कौन था किंग द हॉर्स इज़ लाइक द मैंस जो घोड़ा था वो मैंस के लिए आदमी के लिए क्या था फैमिली मेम्बर की तरह था एक परिवार के सदस्य की तरह था तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज जानेंगे तब तक तो आप अपनी ये बुक में फिल करेंगे